अस्सलाम वालेकुम क्लास 3-9th, माई सेल्फ अरलान शहजाद, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फर्दर सब टॉपिक इज़ विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ इनपुट डिवाइसेस। सो हियर वी गिव कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अप कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि मिल के एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी। हार्डवेयर की कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। इनपुट डिवाइसेस आती हैं सबसे पहले, फिर सिस्टम यूनिट आएगा आपका, फिर स्टोरेज, देन आउटपुट डिवाइसेस एंड देन मेमोरी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इनपुट डिवाइसेस क्या है, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया भी होगा, ठीक है। हम इसको फिर भी गो थ्रू कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस, ऑल द डिवाइसेस यूज्ड टू फीड डाटा इनटू कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। सम कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा एंड टच स्क्रीन। क्लास वो डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा इंटर करते हैं उसको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है, ठीक है। माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन, स्कैनर, कुछ भी जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, उसको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो सबसे पहले है कीबोर्ड। इट इज़ द मेन इनपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। इट अलाउज द कंप्यूटर यूजर्स टू एंटर लेटर, नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स इनटू कंप्यूटर। अब कीबोर्ड के ऊपर देखें, जितने भी आपको कीज़ नज़र आते हैं सारे के सारे कीज़ आप एज आ इनपुट के तौर पे, एज आ इंस्ट्रक्शन के तौर पे कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माउस। इट इज़ हैंड हेल्ड डिवाइस यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर आर पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। इट हैज़ 2 or 3 बटन्स एट द फ्रंट दैट अलाउज द कंप्यूटर यूजर्स टू मेक सिलेक्शन इन मेन्यू, ड्रा ग्राफिक्स और ओपन फाइल फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स। अब देखिए माउस आपको आइडिया है, यूज़ करते हैं आप लोग। माउस में एक लेफ्ट की होता है, एक राइट की होता है और एक स्क्रॉल होता है, ठीक है। स्क्रॉल के थ्रू हम लोग अपनी स्क्रीन को जो है वो अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। लेफ्ट की भी होता है एक, हमारे पास एक राइट की होता है, उनकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं लेफ्ट और राइट की फंक्शनैलिटीज़ को, ठीक है। तो हम की माउस को यूज़ करते हैं डिफरेंट काम के लिए, सिलेक्शन के लिए, ग्राफिक्स को जो है वो हम बनाने के लिए, ठीक है, ड्रा करने के लिए और किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। आगे आते हैं जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विद अ वर्टिकल लीवर माउंटेड ऑन अ बेस। अ लीवर यूजली इंक्लूड्स बटन कॉल ट्रिगर्स विच एक्टिवेट सर्टन इवेंट्स विच प्रेस व्हेन प्रेस। जॉयस्टिक आर मेनली यूज फॉर कंप्यूटर गेमिंग। लेफ्ट साइड पे आप देखें इमेज में जॉयस्टिक आपको नज़र आ रहा होगा, ये जॉयस्टिक यूज़ की जाती है गेमिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। ये जो लीवर आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर बटन्स होते हैं और उनको ट्रिगर कहा जाता है। तो इसके थ्रू हम गेमिंग में जो है वो अपने ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज कंप्यूटर यूजर्स टू इनपुट ऑडियो इनटू द कंप्यूटर। इट चेंज ऑडियो सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर ट्रांसलेटेड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय द साउंड कार्ड फॉर प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर। अच्छा, अब देखिए ये जो माइक्रोफोन आपके पास है, हम जो बात करते हैं और हमारे कंप्यूटर तक बात पहुँचती है, ये भी आपके पास इनपुट डिवाइस में। मैंने अभी आपको बताया कि जो जिस डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो डिजिटल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इनपुट। तो माइक्रोफोन के थ्रू हम जब कंप्यूटर को इंटर करेंगे अपनी कमांड, अपनी वॉइस हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमारे पास माइक्रोफोन क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। आगे आता है स्कैनर। इट इज़ अ डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेजेस फ्राम फोटोग्राफ्स, मैगजीन्स, बुक्स एक्सेट्रा एंड स्टोर्स देम इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड, डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और इंसर्टेड इन डॉक्यूमेंट्स। मैनी स्कैनर्स ऑल्सो इंक्लूड ऑप्टिकल करेक्टर रिकोगनीशन, OCR जिसको कहा जाता है,
which convert an image of text into text file and that can be edited. अब देखें स्कैनर क्लास अक्सर अगर आप किसी बुक शॉप पर जाएँ तो वहाँ पर स्कैनर मौजूद होता है, तो आप कोई भी अगर वहाँ पर पेज या डॉक्यूमेंट्स अपना स्कैन करते हैं तो सेम वही स्कैन हो के आपके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर आपका डाटा आ जाएगा, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वो क्या करता है कि आपकी सेम जो इमेज होती है, जैसे अभी ये जो बुक के सामने आपको इमेज नज़र आ रही है, इस इमेज को वो टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और आप इजीली इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं। आगे आता है क्लास आपके पास बारकोड रीडर। इट इज़ अ डिवाइस दैट रीड द बारकोड प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट्स दैट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट कोड डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू प्रिंट बिल्स फॉर द कस्टमर। अब देखिए बारकोड रीडर, आप अक्सर किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाएँ ना, तो वहाँ पर जब आप ग्रॉसरी वगैरह की या कहीं भी किसी भी मॉल में जाएँ शॉपिंग करते हैं, तो जब आप बिल पे करने की बारी आती है तो आप प्रोडक्ट्स वगैरह का वो उठा के काउंटर पे जस्ट बारकोड रीडर के सामने जो है वो एक दफ़ा बारकोड को जो वो रीड करवाना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है और आपका बिल एट द एंड जनरेट होकर आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो बारकोड रीडर, हम बारकोड रीडर के थ्रू जब हम अपना डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट कर रहा है और हमारा वो आखिर में जो है वो रिज़ल्ट क्रिएट कर रहा है, तो ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कैप्चर पिक्चर्स एंड स्टोर देम इन डिजिटल फॉर्म। दीज पिक्चर्स कैन बी डाउनलोडेड टू कंप्यूटर फॉर एडिटिंग, व्यूइंग और इंसर्टिंग इन डॉक्यूमेंट्स। अब देखें डिजिटल कैमरा है, हम किसी भी चीज़ की पिक्चर जब बना लेते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है, और जब हम उसको स्टोर करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में डाटा हमारे पास जब स्टोर हो जाता है, मीनवाइल कि हमने वो इंटर कर लिया डाटा अपने पास, तो वो ये डिजिटल कैमरा भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में आता है। आगे देखें टच स्क्रीन। इट इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड्स विद फिंगर। टच स्क्रीन इज़ मोर कॉमनली यूज्ड विद मोबाइल फोन्स, टैबलेट, लैपटॉप्स। देखें हम जो टच स्क्रीन हमारे पास है वो मोबाइल फ़ोन भी में भी हम यूज़ करते हैं, टैबलेट्स में भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स में भी यूज़ करते हैं, तो बेसिकली ये भी हमारे पास है एज अ पॉइंटर के तौर पे, एज अ कीबोर्ड के और सॉरी माउस के तौर पे ही काम यूज़ होता है। हम कमांड देते हैं इसके थ्रू, डाटा एंटर करते हैं, तो ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में आता है। आगे देखें टच पैड। टच पैड आपके पास जो यूज़ होता है अगर लैपटॉप पे जो टच पैड होता है जिसको हम कर्सर मूव करते हैं, जिसके थ्रू अ टच पैड इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑन लैपटॉप और सम कीबोर्ड टू मूव अ कर्सर विद अ फिंगर। अ यूज़र मूव फिंगर ऑन द सरफेस, द माउस कर्सर मूव इन दैट सेम डायरेक्शन। अब देखें लैपटॉप अगर आपने यूज़ किया हो तो लैपटॉप के ऊपर वो जो टच पैड सा बना होता है, ठीक है, वो आपके पास एज अ माउस के तौर पे काम किया जाता है। उस पर आप वो फिंगर पे जैसे जहाँ जहाँ फिंगर को रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, आपके कंप्यूटर पे जो कर्सर होता है वो वहीं वहीं मूव होगा, और उसी से आप उनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ओपन डिलीट सारे फंक्शनैलिटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो ये था आज का आपका टॉपिक, होप सो आपने आपको समझ आ जाएगी जब आप ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। और लास्ट वीडियो में कुछ शायद इशू था थोड़ा सा वॉइस का, तो वो मैं दोबारा बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको आपने इनपुट डिवाइसेस को नोट डाउन कर लेना अपने पास, और दो दो लाइनें इनकी जो है इनको डिफ़ाइन कर लेना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली क्लास तक, अल्लाह हाफिज़।